हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज वीडियो में हम जानेंगे कि प्लॉट एरिया कैलकुलेट फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो मैंने पिछले भी एक कल वीडियो डाली थी मैंने, तो उसमें क्या हो गया था, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड क्रिएट हो गई थी उसमें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक्स फार्मूला, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो वीडियो बहुत छोटी करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो सामने सबसे ज़्यादा इंटरफेस होते हैं, कुछ इस तरह के प्लॉट एरिया इंटरफेस होते हैं जिसको हमें निकालना होता है। कुछ लोग, काफ़ी कमेंट आ रही थी बार बार, कुछ लोग ग्रामीण एरिया से होते हैं, कुछ आउट ऑफ एरिया जैसे कि आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, उधर से भी होते हैं। तो उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है कि प्लॉट एरिया निकालने में कैसे हम इसको निकालें करेक्ट मेथड से, ठीक है। ऑटोकैड में क्या होता है, तो जस्ट मोस्टली एक क्लिक में ही एरिया निकल गया है, बट हमें निकालना है स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जो हमें हाथ से निकालनी होती है। तो हमारे सामने कुछ पांच तरह के कुछ इंटरफेस है, तो उसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल है, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, उसको तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। उसका क्या होता है, एल इंटू बी, बस सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है उसका, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। जिसकी दोनों लंबाई जो जिसकी दोनों भुजाएं या फिर दोनों साइड्स बराबर होती है एक दूसरे के, पैरेलल होती है, ठीक है, जैसे पैरेलल हो गई। तो इस हमारे पास इस तरह के पांच चार हो गए, रेगुलर शेप हो गया, एक तरह का ट्रायंगल हो गया, तो हम इनमें शेप निकालना सीखेंगे। उससे पहले हमारे सामने क्या आता है कि प्लॉट जो एरिया निकालते हैं हम, फीट के अंदर निकालते हैं, मीटर के अंदर निकालते हैं, गज के अंदर निकालते हैं, सबसे ज़्यादा यही एरिया निकालते हैं। चलो उसको भी सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास जो एरिया है प्लॉट का, फीट के अंदर है या मीटर के अंदर है या फिर ये गज के अंदर, सबसे ज़्यादा हम क्या निकालते हैं, फीट एंड मीटर के अंदर निकालते हैं। इसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं गज के अंदर या फिर आप एकड़ के अंदर या फिर आप बीघा के अंदर, उसको कन्वर्ट करते हैं आप मीटर से या फीट से, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले फीट एंड मीटर गज होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट के बारे में। एक फीट सबसे पहले देख लेते हैं, एक मीटर, एक मीटर में होता है 3.28 फीट होता है, और एक गज में होता है 3 फीट। इसको बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, ये याद रख लेना है। एक मीटर होता है बड़ी यूनिट और फीट होती है छोटी यूनिट। अगर आपके पास ये मीटर, एक मीटर है तो ये 1 मीटर हो गया, तो इसमें कितने फीट बन जाएंगे, 1, 2, 3, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और समथिंग 0.28 फीट, ठीक है। तो ये मीटर के बराबर होगा। अपना मेजरिंग टेप ले, मेजर जो टेप है उसमें निकाल लेंगे, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 फीट 3 इंच 3 सूत्र के आसपास होता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम फीट के अंदर, तो ये आता है। तो 1 मीटर में होता है 3.28 फीट, और एक गज के अंदर जो एक गज होता है उसमें 3 फीट के बराबर होता है। अब निकाल लेते हैं 1 फीट, 1 फीट में कितने गज मीटर होंगे। तो 1 फीट की बात करते हैं, अगर आपके पास फीट है तो फीट में कन्वर्ट करें, सिंपल इसको भाग से, 3 से भाग कर देंगे गज में निकालने के, 3 से डिवाइड करेंगे गज में निकालने के लिए। जैसे स्क्वेयर फीट हो गया तो 1/3 है, तो 1/9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वेयर है, तो जैसे इसका स्क्वेयर करते हैं, यहाँ पे भी इसका स्क्वेयर करते हैं, तो 1/9 हो जाता है, ठीक है। तो स्क्वेयर फीट में होते हैं 1/9। जितना भी आपके पास प्लॉट का एरिया आता है, जितना भी एरिया आता है, बस एरिया को कन्वर्ट करना है गज के अंदर। तो स्क्वेयर फीट में होते हैं 1/9 स्क्वेयर गज, और 1 मीटर स्क्वेयर के अंदर होते हैं 1 मीटर। अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वेयर एरिया है, कोई भी एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वेयर है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। मैं पूरी वीडियो देखते रहेंगे तो बहुत आसान आपको क्लियर हो जाएगा, हर एक टॉपिक्स क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो 1 मीटर स्क्वेयर में होते हैं 10.76 स्क्वेयर फीट, ये याद रख लेना आपको। 1 मीटर स्क्वेयर होते हैं 10.76 स्क्वेयर फीट, और 1 गज स्क्वेयर के अंदर हो गए 9 स्क्वेयर गज। 9 स्क्वेयर गज, जब से 1 स्क्वेयर गज, 1 गज है, 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो 1 गज स्क्वेयर में 9 स्क्वेयर गज। तो 3 गज जैसे यहाँ कर देते हैं स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, तो वो स्क्वेयर हो जाता है। सपोज कीजिए ये वाला 1 गज, ये भी 1 गज, इसकी लंबाई है, ये भी 1 गज है, ये भी 1 गज होगी, तो कितना हुआ, 1 गज स्क्वेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, तो कितना होगा हमारे पास, 9 गज स्क्वेयर का एरिया। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी एरिया है फिट के अंदर, तो फिट से हमें जाना है मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है या गज के अंदर करना है। तो चलो देख लेते हैं। अगर आपने प्लॉट एरिया है 1200 स्क्वेयर फीट का, आपके पास 1200 स्क्वेयर फीट का कोई प्लॉट एरिया है, सिंपल उसको क्या करना है, गज स्क्वेयर के अंदर करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल 9 से भाग कर देना है। देखिए फिट क्या होती है, यूनिट छोटी यूनिट होती है, और जो गज होता है आपके पास बड़ा यूनिट होती है। तो बड़े में जाने के लिए हम सिंपल भाग से भाग कर देते हैं, 9 से भाग कर देते हैं। कुछ हमने निकाला था, एक गज में कितने होते हैं, 9 फीट। जैसे इसमें करते हैं, गुना करते हैं, इसमें इसमें जाते हैं, तो भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1200 स्क्वेयर फीट है, 1200 स्क्वेयर फीट गज में बताना है, तो 1200 को ना सिंपल 9 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 133.33 स्क्वेयर गज। 112 स्क्वेयर फीट कितने बराबर होगा, 133.33 गज के बराबर होगा। 1200 स्क्वेयर फीट की बात करते हैं, मीटर में जाना है, स्क्वेयर मीटर में, तो 1200 था, यहाँ पे स्क्वेयर मीटर के अंदर कितना था, 10.76। तो सिंपल इसको भाग कर देंगे। देखिए मीटर हमारी यूनिट होती है बड़ी, और फीट होती है छोटी, तो
तो अगर बड़ी से छोटी में जाना आती है तो गुणा कर लेते हैं, स्क्वायर फीट है तो उसको सिंपल सिंपल भाग कर देंगे। अगर स्क्वायर फीट में जा रहे हैं मीटर के अंदर, तो 1200 भाग 10.76 तो 111.52 स्क्वायर मीटर आ जाएगा प्लॉट का एरिया। तो 1200 बराबर होगा 111.52। ये आपके मेथड जो भी आता है प्लास्टर, जैसे कि आप प्लास्टर निकाल रहे हैं, पेंट वर्क निकाल रहे हैं, स्लैब का निकाल रहे हैं, स्लैब स्लैब कंस्ट्रक्शन जो कंक्रीट डोलती है, तो उसमें हर किसी में आपका ये मेथड जरूर काम आता है, एरिया निकालने का भी एंड ये कैलकुलेशन निकालने का भी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी एरिया है स्लैब का, प्लास्टर का या फिर प्लॉट का, तो उसमें हमारे पास कोई एरिया निकाल, सबसे सबसे ज़्यादा मेथड होता है कि मीटर में निकालिए। मीटर में निकालने के लिए आसान रहता है, मीटर सेंटीमीटर होते हैं सिंपल उसमें, और कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान रहता है और करेक्ट एरिया निकल कर आता है आपके पास। तो मीटर को कन्वर्ट करना है फीट एंड गज के अंदर, फीट स्क्वेयर या फिर गज स्क्वेयर के अंदर। तो सपोज़ कि आपके पास कोई 120 मीटर स्क्वेयर का कोई फ्लैट प्लॉट स्लैब या फिर कोई प्लास्टर वर्क या फिर कोई पेंट वर्क है, तो उसमें हमने निकाला 120 को सिंपल गुना करेंगे यहाँ पे 10.76। देखिए यहाँ पे फीट से आप जा रहे हैं मीटर के अंदर, स्क्वायर फीट के अंदर, तो स्क्वेयर फीट के सिंपल क्या करना है आपको, गुना कर देना है। देखिए फीट होती है हमारे पास कोई बड़ी यूनिट, यहाँ पे होती है मीटर बड़ी यूनिट, और फीट होती है कुल इतना छोटा फीट, तो सिंपल गुना कर देंगे कितने 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 बन जाएंगे। तो 10.76 और 1 मीटर में कितना था, 3.28, तो 3.28 3.28 गुना कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वेयर के, 1 मीटर स्क्वेयर के अंदर कितना हो जाएंगे, 10.76 स्क्वेयर फीट। ठीक है, तो 10.76 स्क्वेयर फीट हो जाएंगे। तो इसको इसको गुना कर देंगे तो 1291.20 स्क्वायर फीट हो जाएंगे, या फिर स्क्वायर मीटर से हमें जाना है स्क्वायर गज के अंदर। तो आपको पता है स्क्वायर फीट से स्क्वायर गज के अंदर जाना आसान होता है, अपने स्क्वायर फीट निकाल लिया है, स्क्वायर फीट होता है 1291.20 स्क्वायर फीट 1 मीटर के अंदर, आसान है होता निकालने के लिए। अब उसको सिंपल भाग कर लेंगे 9 से, तो 9 से क्यों किया, बिकॉज आपके पास फीट यूनिट होती है छोटी यूनिट है, गज होती है बड़ी, तो एक गज स्क्वायर के अंदर 9 स्क्वायर फीट होते हैं, तो 9 से इसको सिंपल भाग कर देंगे क्योंकि गज के अंदर निकाल रहे हैं, फीट से गज के अंदर, तो गज बड़ी यूनिट होती है, सिंपल भाग कर देंगे तो 143.47 स्क्वायर गज। अब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। तो आप जा रहे हैं कोई भी आपका प्लॉट है गज के अंदर या फिर कोई स्लैब कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो गज के अंदर है, तो उसको जाना आपका फीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे या फिर मीटर के अंदर। तो गज स्क्वेयर फीट स्क्वेयर या फिर मीटर स्क्वेयर के अंदर जाते हैं, 150 गज स्क्वेयर आपके पास, उसको 50 को गज में जाना है मीटर के अंदर। गज क्या होता है, बड़ी यूनिट होती है और फीट छोटी यूनिट होती है, जो छोटी में कन्वर्ट कर देंगे टुकड़े में कितने हो जाएंगे, 150 गुना 9, हमारे जो बताया था मैंने आपको 1 गज स्क्वेयर बराबर होता है 9 स्क्वेयर फीट के बराबर। तो टोटल स्क्वेयर फीट के अंदर जा रहे हैं आप, यहाँ से आप जा रहे हैं स्क्वेयर फीट के अंदर, तो 150 गुना 9, ठीक है, तो 1350 स्क्वेयर फीट हो जाएंगे। बस एक सिंपल से इसको याद कर लेना है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। तो अब हमें जाना है गज से मीटर के अंदर, सिंपल क्या करेंगे, आपने इसको भूल जाइए, स्क्वेयर फीट को याद रखिए, इस गज से हमें स्क्वेयर फीट में निकाल लिया, बिल्कुल आसान है, 9 से गुना कर देगा आसान है। अब फीट से मीटर में जाना बिल्कुल आसान है, बिकॉज एक स्क्वेयर मीटर में थे हमारे पास 10.76 स्क्वेयर फीट, 10.76 स्क्वेयर फीट होते हैं, तो सिंपल इससे इसको भाग कर देंगे तो 125.46। मैं वो कुछ और यूनिट बता सकता था, कुछ और यूनिट बता सकता था, उसको आप क्या होगा डिफिकल्ट होगा, बट ये तीनों मील बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए हेरोपोनिक टॉपिक्स। तो 1350 डिवाइड बाय 10.76, ठीक है, ये आपको सिंपल क्या करना है, फिट में आपको पास यूनिट है, आपको करना है गज मीटर के अंदर, तो सिंपल भाग कर देंगे 10.76 के, क्योंकि फिट होती है छोटी यूनिट और मीटर होती है बड़ी यूनिट, तो बड़ी यूनिट में जाने के लिए सिंपल भाग करना होता है, तो 125.46 स्क्वेयर मीटर। तो 150 गज कितने के बराबर होगा, 1350 स्क्वेयर फीट के बराबर होगा, या फिर 125.46 स्क्वेयर मीटर के बराबर होगा। ये टॉपिक क्लियर, चलो अब आ जाते हैं प्लॉट के अंदर। देखिए अगर आपके पास कोई भी प्लॉट एरिया होता है इस तरह का इंटरफेस होता है, तो उसमें हमें ये देखना है कि जो ये लाइन है ये लाइन एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, जैसे कि आप जितनी दूरी यहाँ पे आएगी उतनी ही दूरी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास एरिया है एरिया 1, एरिया 1 का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास आता है फॉर्मूला a+c/2 × हमें हाइट वो लेनी है, लंबाई 2 इंटरफेस हमें इसे एवरेज लेते हैं, बिकॉज ये लाइन लाइन बराबर होती है और इसका जो एवरेज निकलेगा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे ये वाली जो लेंथ होती है ये लेंथ
इसका भी बटे दो हो जाता है। जैसे कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी जितने भी आएगा सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एच, ठीक है। इसका फेस अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे। जैसे कि आपने निकाला ए माइनस सी, ए माइनस सी हो गया, ये वाला हो गया लेंथ, ए माइनस सी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हो गया आपके पास डी, डी माइनस सी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपके पास निकलेगी ये वाला, सॉरी ये ट्रायंगल भी निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकलेगा आपके पास ये, तो फार्मूला आपके पास हो गया डी। देखिए ये वाली जो लेंथ है इसका जो एवरेज आ जाता है कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। इसके दो तरीके से फार्मूला निकाल सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे लेंथ, लेंथ हमारे पास दो फार्मूला बन गया, एक तो ये रेक्टेंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल सा। जैसे कि हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सी इंटू डी, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका क्या हुआ रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। ट्रायंगल का फार्मूला क्या बनेगा, ए माइनस सी ए बटे दो इंटू एच क्या था डी, तो ये दोनों एरिया आएगा। सी माइनस डी बराबर कितना होगा स्क्वायर फीट, ये वाला जितने भी आएगा आपके पास स्क्वायर फीट, तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ पूरा इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में हो गया, और सिंपल एक निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करेगा, एक इस तरह एक एवरेज आ जाएगी, जो ये ट्रायंगल छोटा सा यहाँ पे बना वो यहाँ पे इस कोने में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं ये वाला, क्लियर। अब देख लेते हैं एरिया टू, एरिया टू के अंदर, एरिया टू के अंदर भी यही इंटरफेस आएगा, ये वाली जो लेंथ होती है यहाँ पे जितनी आएगी उतनी ही यहाँ पे आएगी, बराबर होगी, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे एच है, तो ये भी आपके पास एच रहेगा, जितनी हाइट ये है इतनी हाइट या फिर लंबाई जो भी ब्रेथ है ये बराबर रहेगी। इससे क्या होता है कि ये जो लाइन है ये दूसरे लाइन के पैरेलल है, ये आगे पीछे लाइन है, तो इसमें भी फार्मूला सिंपल यही रहेगा, ए प्लस सी डिवाइड बाई टू इंटू, हमें ये वाली लेंथ आपको नहीं लेनी है ना ही आपको लेंथ ये लेनी है, आपको जो लेंथ लेना है वो लेना है जो भी आपकी यहाँ पे आएगी, जो भी हाइट ये आएगी यहाँ पे, जो भी ये हाइट आती है, ठीक है, उसी से आपको गुना करना है सिंपली आपको एच से। तो ये आपका टोटल एरिया स्क्वेयर फीट के अंदर या फिर स्क्वेयर मीटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है, इनके मैंने सभी का एग्जाम्पल बताया हुआ है, सभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा पूरी डिटेल के साथ जाना चाहते हैं तो। ये जैसे फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला आपको बहुत आसान से क्लियर हो जाएगा। अब जाते हैं थर्ड के अंदर, तो थर्ड हमारे पास एरिया आ जाता है थर्ड, थर्ड के निकालने के लिए हमारे पास सबसे दो मेथड होते हैं इसका प्लॉट एरिया निकालने के लिए, सिंपल दो मेथड। उसमें आपको क्या करना होता है, एक आपको क्या करना है ट्रायंगल बनाना है, इसके दो पार्ट बनाने हैं, वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो वन पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके सपोज कीजिए एच, इसको क्या करना है साइड पे मेजर करना है एच, ठीक है। तो फार्मूला दो तरीके से बनेगा, हीरोन्स फार्मूला क्या होगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस एच डिवाइड बाई टू, ये क्या बनेगा आपके पास सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर को फिर अब क्या करना है, सेमी पैरामीटर को निकालने के लिए अब एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला, ये आपका हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस एच, जितनी आपको तीनों भुजा होती है एक दो तीन, तीनों भुजा होती है, तो उसको फॉर्मूला निकालने के लिए कन्वर्ट करेंगे, जितना भी आपके पास एरिया आ जाएगा स्क्वेयर फीट के अंदर, जितनी भी यूनिट आएगी आपके पास इसमें पुट करते जाएंगे वैल्यू, तो आपके पास स्क्वेयर फीट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला क्लियर हो गया, एक तो एरिया फर्स्ट इसी तरह आपका निकालेगा एरिया टू के अंदर, जैसे एरिया निकाला सेम प्रोसीजर या एरिया एरिया टू के अंदर निकलेगा। चलो मैं आगे बता देता हूँ आपको दूसरा मेथड क्या निकलेगा, दूसरी तरीके से आपको सिंपल मेथड निकालना, कोई बड़ी यूनिट होनी है वो भी बता देता हूँ आपको, मेथड टू, मेथड टू से बता देता हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना है सिंपल, यहाँ पे कोना पकड़ना है कॉर्नर पे, और इस लेंथ पे आपको क्या करना है एक इस तरह से रेक्टेंगल, इसमें आपको क्या करना है गुनिया बना देना है, परपेंडिकुलर बनाना है इस वाली लेंथ पे, ये लेंथ परपेंडिकुलर मतलब एक तरह से गुनिया बना देना है, इस वाले कॉर्नर को पकड़ना है और इस वाले कॉर्नर को मिलाते हुए गुनिया बना देना है, किसी की सहायता से जैसे गुनिया हो गया है इसकी सहायता से पकड़ते हुए मिला देना है। इसमें आपको क्या करना है सिंपल, एक बटे दो इंटू एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें एरिया क्या है, इसमें आपके पास लंबाई क्या है एक बटे दो इंटू लेंथ, लेंथ की आपके पास एच, एच गुना कर देना है, और ब्रेथ की आपके पास ये वाली जो है इसको मान लेते हैं पी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ पी, तो ये आपका फार्मूला निकल जाएगा सिंपल एरिया स्क्वेयर फीट के अंदर। तो इस वाले जो एरिया है इसका आपके पास एरिया निकल जाएगा, सेम यही रहेगा इसका भी, इसमें भी आपको क्या करना है इस वाले लेंथ पे ये वाला कॉर्नर पकड़ना है
और ये परपेंडिकुलर बना देना है। इसमें एरिया, ये वाला एरिया फर्स्ट, एरिया टू क्या करेंगे अब, उसमें भी 1/2 × L × B लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 1/2 × लेंथ क्या है, ये वाली एच है तो एच हो गई, ब्रेथ क्या है परपेंडिकुलर, ये आपको परपेंडिकुलर टू, ये जो गुनिया बना इस कोने पर करना है, और जो लेंथ है इस वाले लेंथ पे गुनिया बनाते चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 3, 4, 5 मेथड से बना सकते हैं, या फिर कोई लकड़ी गुनिया या फिर स्टील रूल्स भी आता है उसको भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ, बी क्या है, P2, जितना भी आपके पास वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर फीट या फिर स्क्वायर मीटर के अंदर एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत ही कम डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप फीट मीटर में एक बहुत बड़ी यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करने पे एरिया फर्स्ट प्लस एरिया टू जो भी एरिया आएगा, इसका चेक कर लेना कि यहाँ पे जो आपने हीरोन्स फार्मूला से निकाला था, हीरोन्स फार्मूला से, कि वो दोनों में डिफरेंस कितना आता है। यहाँ पे आपने निकाला सिंपल मेथड, सिंपल, और यहाँ पे निकाला था हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए एरिया फर्स्ट एरिया टू तो कितना आता है, और इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आता है आपके पास, ये वाला क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं इस वाले मेथड की, अब इन तीनों में भी, सभी में इन तीनों में भी यही मेथड यूज होगा जो आप इसमें इसमें कर रहे थे। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे इसमें और इसमें बना दिया है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हो गया ये H1 H2, ठीक है, ये आपका हीरोज़ फार्मूला के अंदर ही बनेगा, एरिया फर्स्ट एरिया टू एंड एरिया थ्री, ये तो एरिया थ्री हो गया। ये आपको क्या करना है, साइड पे मेज़र करना है। मेज़र क्या करेंगे, तो हमारे पास एरिया फर्स्ट आ जाता है, वो भी हीरोज़ फार्मूला से निकालेंगे, बी सी एंड एच, तो यहाँ पे निकालेंगे सेमी पैरामीटर बी प्लस सी प्लस H1/2, जो भी वैल्यू पुट आएगी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे फिट के अंदर एस सेमी पैरामीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, हीरोज़ फार्मूला से एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने का अंडर रूट निकालेंगे, एस एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस H1। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू इन क्लियर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपके पास स्क्वेयर फीट के अंदर एरिया आ जाएगा। इसी तरह आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए इस वाले ट्रायंगल के पास एरिया क्या बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, ए सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर क्या बनेगा, ए प्लस H1 प्लस H2 प्लस H1 प्लस H2 / 2। ठीक है, ये आपके पास फिट के अंदर आएगा, रनिंग फिट के अंदर सेमी पैरामीटर लेंथ निकल के आएगी। फिर एरिया क्या निकल के आता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए और एस, ये तीनों दोनों मुझे पुट करनी है इसमें, ठीक है, और एस माइनस H2, ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो एरिया जाएगा स्क्वेयर फिट के अंदर। ठीक है, और इस उसकी बात करते हैं अब, इसमें भी आपको क्या करना है, इसके अंदर भी यही वैल्यू पुट करनी है, या फिर इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिलाते हैं, ये परपेंडिकुलर मिला लेंगे इस वाली लेंथ में, इस वाली लेंथ में क्या करना है, यहाँ से इस पे इस वाली लेंथ में परपेंडिकुलर बना लेंगे और इस पे ही बना लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, आसानी से आसान बन जाएगा। तो इसमें आपको क्या, इस वाले लेंथ में एरिया वन में निकालने के लिए 1/2 × L × B होता है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, 1/2 × L, एल कौन सी रहेगी, H1, तो H1, ब्रेथ कौन सी है, ये वाली P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको P3, परपेंडिकुलर फर्स्ट परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर थ्री, तो यहाँ पे क्या रहेगा P1। ठीक है, तो सिंपल, बहुत सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर एरिया निकल के आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, ये एरिया टू है, इसमें क्या रहेगा, 1/2 × L × B, तो 1/2 हमारे पास है, लेंथ क्या है, लेंथ ये हमारे पास H2 चौड़ाई क्या है पर P2, ये P2 आपको क्या करना है, साइड पे मेजर करना है, बनाना है अच्छे से, तो क्लियर आ जाएगा स्क्वेयर फीट के अंदर एरिया। अब थर्ड की बात करते हैं, एरिया थर्ड, थर्ड में भी आपको क्या करना है, एरिया 1/2 × L × B, तो 1/2 हमारे पास है और लेंथ क्या, हमारे पास H2 ही है, हमारे H2 निकाला था अपने, यहाँ पे भी H2 निकाल लेते हैं, और ब्रेथ देख लेते हैं, ये वाला ब्रेथ ये परपेंडिकुलर 3 P3, तो ये बहुत सिंपल है स्क्वेयर फीट का, इसको हर कोई निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने सिंपल मेथड से बताया है। इसी तरह आप इसमें निकाल सकते हैं, जैसे लेंथ है और इस पे ये परपेंडिकुलर से बना लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाते हैं, यहाँ पे कोना पकड़ना है, धागा इस वाले लेंथ पे मिलाते हुए गुनिया बना देना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी आसान है निकालने के लिए, एरिया 5, तो ये एरिया 5 के निकालने के लिए 1/2
देखिए इसको भी आप हिरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर, जैसे कि यहाँ पे आपने निकाला था एस सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ये क्या लेंथ आ जाती है फीट के अंदर। उसके बाद फिर निकाल लेते हैं एरिया, एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपके पास है एस एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, ये निकालने के लिए आपके पास एरिया बहुत, ये क्या होता है मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है ठीक है। और सिंपल मेथड आपके पास सबसे सिंपल यही है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालने के लिए 1/2 इंटू लेंथ हमारे पास ये वाला मान लेते हैं इसको, जो हमने इस पर मानी बेस ठीक है ए हो गया, और परपेंडिकुलर जो लेंथ निकाली चौड़ाई क्या है ये वाली, ये क्या मान लेते हैं पी परपेंडिकुलर, जो इस कोण मिलाते हुए इस वाले लेंथ पे मिलाते हुए गुनिया बना, जैसे यहाँ पे अपने इसको भी गुनिया बनाना पड़ेगा एकदम इस वाले लेंथ पे। गुनिया कैसे बनता है वो मैं बता चुका हूँ 3-4-5 रूल मेथड से, जैसे यहाँ कोना पकड़ा आपने इसको मिलाया 3 फीट, अगर आपके पास कुछ भी मेथड नहीं कुछ भी नहीं है साइड पे तो 3 फीट, और इस वाले कोना से मिलाना है 4 फीट, और इसको फिर मिलाते हुए यहाँ पे आ जाना है ये 5 फीट आना चाहिए ठीक है, ये वाला कोना ये वाला कोना 5 फीट आना चाहिए ठीक है। तो 3-4-5 रूल मेथड होता है इस तरह से, तो ये आपको क्या हुआ है गुनिया बन जाएगा 90 डिग्री पे बनेगा ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कितना था ये सब ये P1 P ठीक है। तो दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं जिसको, इसमें क्या बनते हैं दो दो फार्मूला बन जाते हैं, जैसे कि एक लेंथ आप फिर क्या करना है एक लेंथ अलग ये निकल के आती है एक लेंथ अलग निकल के आती है, तो इसमें दो राइट एंगल कितने बनते हैं दो राइट एंगल बन जाते हैं, एक राइट एंगल सेकेंड राइट एंगल दो राइट एंगल बन जाते हैं। तो एरिया फर्स्ट एरिया टू ये आपको लेंथ निकालनी होती है, जैसे कि 1/2 इंटू एल इंटू बी ये निकालना होता है, तो इसमें क्या करते हैं ये वाली लेंथ ये लेंथ को गुना कर लेते हैं ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया फर्स्ट ये वाला एरिया फर्स्ट हो गया और एरिया टू हो गया ठीक है। तो बस बस कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने उसे शेयर किए, तो मैंने आई होप आप समझ गए होंगे ये टॉपिक सब क्लियर कर दिया मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।